सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के दिन मैं कोई प्रॉपर्टी विजिट नहीं करवा रहा हूं आपको। आज हम बात करेंगे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, जो कि इंडियंस के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट की बात है कि आज हमारा चंद्रयान मिशन सक्सेसफुल होने वाला है। और इसरो के द्वारा ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 6:04 पर मून पर लैंड कर जाएगा। और आगे की इंफॉर्मेशन देखते जाओ। इंडिया ने 14 जुलाई 2023 को 600 करोड़ की लागत जिसमें लगी है इस मिशन को पूरा करने के लिए चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था, और आज उसकी सॉफ्ट लैंडिंग है आज, यानी कि 23 अगस्त 2023। और आज सबकी नज़रें ऐसे ही चांद पर टिकी रहेंगी। आज 6:04 पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग होने वाली है, और ये बहुत बड़ी बात है हम सब इंडियंस के लिए, बहुत बड़ी कामयाबी है हम हिंदुस्तानियों के लिए। इससे बड़ी अचीवमेंट शायद ही आगे अब कोई हुई तो होगी, नहीं तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। देश पर गर्व करना चाहिए हम लोगों को कि हमारा चंद्रयान सॉफ्ट लैंडिंग कर जाएगा आज। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाली चौथी कंट्री बन जाएगा हमारा देश। और इससे पहले अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से देश यहां पर लैंडिंग करवा चुके हैं, जिसका नाम आता है चाइना, अमेरिका और सोवियत यूनियन। और इन सब देशों ने चांद पर लैंडिंग तो कर ली है, पर साउथ पोलर रीजन में सबसे पहला देश जो होगा वो भारत ही होगा। और इसके प्रोसेस में 17 लगेंगे, यानी कि जो लास्ट का जो 17 का लैंडिंग का टाइम होगा, जिसमें लैंडर को इंजन को सही टाइम सही हाइट पर स्टार्ट करना होगा और सही क्वांटिटी में फ्यूल यूज़ करना होगा जिससे कि वो लैंड सही तरीके से कर सके। चेक करना होगा बड़े बड़े पत्थर या फिर गड्ढे ना हो, बिल्कुल सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए उसको एक लेवल सही तरीके का चूज़ करना होगा। बाकी ये मेन मोटा मोटा जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैं आपको दे ही दी है। और इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए न्यूज़ चैनल आजकल यार सबके घरों में है, सब मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, लाइव आजकल सब चीज़ें चल रही हैं। और ठीक है, और क्या, ABP न्यूज़ और आज तक न्यूज़, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, वहाँ पे आप जाके एंजॉय कर सकते हो, आप देख सकते हो, वहाँ पे बहुत मज़ा आएगा, लाइव चल रही है चीज़ें। और ये तो एक मतलब वही वाली चीज़ होगी जैसे 10th 12th का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है, जब बच्चा अपना इंटरनेट पे चेक करता है, अपना रोल नंबर डालता है, उस टाइम जिस हिसाब की वो फीलिंग होती है उसी हिसाब की सी फीलिंग आ रही है आज तो सबको। सो ठीक है गाइस, एंजॉय करो, देखो मिशन भगवान की दुआ से सक्सेसफुल हो जाए। और ये तो वैसे ही है जैसे जब हमारा बोर्ड एग्ज़ाम का रिज़ल्ट होता है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का रिज़ल्ट होता है, तो सिर्फ हमारे इंडिविजुअल का रिज़ल्ट होता है वो, और ये तो पूरे देश का रिज़ल्ट है। सबकी धड़कनें इतनी तेज़ होंगी इस पर, और आज पूरा भारत, सोचो धड़कनें कितनी तेज़ होंगी शाम को जब ये लैंड करेगा, उस टाइम पर एक्साइटमेंट लेवल तो क्या ही होगा लोगों के अंदर। तो ठीक है, अब मैं वीडियो एंड करता हूँ, अब आप टाइम हो गया है, जाके न्यूज़ चलाइए और लाइव देखिए कि कैसे क्या चीज़ें चल रही हैं। You will definitely enjoy it. Jai Hind.